हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, पीछे से अगर आप स्ट्रेट अपने बाल रखना चाहते हैं तो बालों में प्रेसिंग कैसे करेंगे। तो जब मैंने इसमें आगे क्रिम्पिंग की थी हेयर स्टाइल के लिए, तो मैंने आपको एक एक स्टेप, बेसिक स्टेप आपके साथ शेयर किया था। तो इसमें देखिए, जब हम अगर मान लो पूरे बालों में भी आपको प्रेसिंग करनी है तो स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है, आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी इस वीडियो में। और जो है ओपन हेयर हेयर स्टाइल भी आपको मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी। तो देखिए, इस तरीके से आगे वाले हेयर्स तो क्रिम्प किए हुए हैं क्योंकि यहाँ पर हमें हेयर स्टाइल बनानी है, और पीछे के हेयर स्टाइल का हमने पार्टीशन कर रखा है। तो अब हमें जो है इस तरीके से पार्टीशन करना है, थोड़े थोड़े बाल लेके। तो हॉरिजॉन्टली भी आप इसमें कर सकते हैं या आप सी भी बना सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो इस तरीके से आपको पार्टीशन करना है और ऊपर वाले जो हेयर हैं उनको जो है टाई कर देना है, बांध देना है ऊपर। नीचे वाले हेयर्स हैं जो बिल्कुल थोड़े से लिए हैं, इनको भी हम जो है चार पार्ट्स में लेंगे या तीन पार्ट में लेंगे और इनको प्रेसिंग करेंगे। तो मेरे पास जो है वही 3-in-1 वाली प्रेसिंग है, तो मैं उसी से ही हेयर प्रेसिंग करती हूँ, हेयर स्ट्रेटनिंग जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए, इस तरीके से आपको हेयर स्ट्रेटनर को गर्म कर लेना है, और पार्टीशन आप देख रहे होंगे मैंने कितनी वॉल्यूम बालों की ली है। और अगर आपके पास सिंपल हेयर यानी कि आप ओरिजिनल हेयर किसी के बालों में करते हैं तो आपको 2 से 3 बार इस तरीके से स्ट्रेटनर को लेके जाना है। ये डमी हेयर है तो मैं इसको इतना ज़्यादा नहीं करूँगी, अभी ये थोड़ा सा गर्म हो जाता है, फिर देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगे बाल। तो यही बेसिक स्टेप होता है किसी भी जो है बालों में स्ट्रेटनिंग करने का। तो इस तरीके से आप जो है स्ट्रेटनर को लेके जाएंगे नीचे तक, आराम आराम से, बिल्कुल एकदम से कर देंगे तो देखिए नहीं होगा, धीरे धीरे आपको लेके जाना है। ये थोड़ा सा मेरा स्ट्रेटनर का इधर से हैंडल थोड़ा सा हटा हुआ है तो इसलिए थोड़ा गर्म लग रहा था, तो मैं हाथ से पकड़ के इसको इस साइड से कर रही हूँ। बाकी आपको समझा बिल्कुल दूंगी और समझ में भी बिल्कुल आपको आराम से आ जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, आप पहले प्रेसिंग करते होंगे तो मुझे बताइएगा आप कैसे करते होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज जो मैंने आपको तरीका बताया है वो आपको कैसा लगा मुझे ये भी बताना। तो इस तरीके से बिल्कुल थोड़े थोड़े बाल आपने लेने हैं, और ओरिजिनल हेयर में जब हम करते हैं तो 2 से 3 बार आपको करना है। तो इसी तरीके से जो हमने नीचे वाले पार्टीशन लिया हुआ है उसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर लिया कॉम्बिंग करके, और जो है स्ट्रेटनिंग करते जाना है। तो इसी तरीके से मैं इसमें भी स्ट्रेटनर से स्ट्रेटनिंग कर दूँगी। और अगर आपके पास जो है कार्बन वाला आप यूज़ करते हैं तीनों मशीन तो और भी अच्छा है, उससे जल्दी हो जाते हैं बट हेयर डैमेज बहुत होते हैं। तो इसलिए मैंने पर्सनल यूज़ के लिए रखा हुआ है तो मैं तो इसी का यूज़ करती हूँ, बाकी जो कार्बन वाला होता है उससे बहुत जल्दी हो जाते हैं जो कि बुटीक वगैरह में यूज़ होते हैं। अगर आप किसी बुटीक में काम कर रहे हैं तो आप जो है वो वाला लें, अदरवाइज़ आप इसी से जो है आप नॉर्मल स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होगी। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आप 2 से 3 बार इसमें लगाएं, इससे क्या होगा आपके हेयर डैमेज नहीं होंगे। बाकी देखिए, अगर रोलिंग के लिए मैं बात करूँ तो आपको 3-in-1 वाले से काम नहीं चलेगा। अगर आपको कर्ल करना है तो थोड़ा बहुत अगर कर्ल करना होता है यानी कि जो हम साइड से कर्ल करते हैं हमारे कान के पास से, तो वो चीज़ इसमें हो जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉपर आपको कर्लिंग चाहिए बालों में तो आपको इस 3-in-1 वाले से काम नहीं चलेगा, उसके लिए अलग कार्बन वाला आप लेके रखें। तो इसी तरीके से फिर से जो मैंने ऊपर बांध रखे थे बाल उनमें से थोड़े से बाल ले लिए, और फिर से इनको 3 से 4 पार्ट में मैं डिवाइड करूँगी। नीचे वाले ऐसे ही रहने देंगे, वो तो साफ पता चल ही जाएगा वो स्ट्रेट हो गए हैं। अब इनको लेंगे और इसी तरीके से स्ट्रेट करते जाएंगे। तो ये देखिए, मैंने जो है बिल्कुल, मेरे को ज़्यादा स्ट्रेट नहीं चाहिए तो मैं एक ही बारिश में जो है प्रेसिंग कर रही हूँ। आपको 2 से 3 बार करना है अगर आप जो है अच्छी स्ट्रेटनिंग चाहते हैं।
तो मेरे को अभी सिर्फ आपको बताना है, तो सिर्फ मैं इसमें एक एक बार कर रही हूँ। एक एक बार में भी वो काफ़ी स्ट्रेट हो गई हैं डमी हेयर्स। बाकी जो है इसी तरीके से आपको पार्टीशन करना है। अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बाल भी स्ट्रेट दिखें, तो आप घर पर इस तरीके से जो है हेयर स्ट्रेट कर सकते हैं। आपकी खुद की बर्थडे पार्टी हो, छोटी मोटी पार्टीज़ में आपको पार्लर नहीं जाना पड़ेगा। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। जिनको जो है स्ट्रेटनिंग मतलब वो करते थे, लेकिन इस तरीके से बिल्कुल पार्लर में जैसे स्ट्रेटनिंग की जाती है, जो प्रॉपर बेसिक जो ट्रिक्स होती हैं वो शायद आपको नहीं पता होंगी। और हो भी सकता है कुछ ऐसे हों जो वीडियो देख रहे हों जिनको पता हो, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। तो इसी तरीके से ऊपर के जो हेयर हैं उनका भी मैंने पार्टीशन लिया और उनको भी 3 या 4 करके मैंने इसी तरीके से स्ट्रेट कर दिया। तो जैसे ही मैं बाल खींच रही थी तो डमी का हेड जो है बार बार आगे आ रहा था। और अगर आप सीखना चाहते हैं हेयर स्टाइल जो है अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल्स बिल्कुल बेसिक से लेके और एडवांस तक, तो चैनल पर जुड़े रहें। और हम स्टिचिंग से लेकर डिज़ाइनिंग से लेकर बहुत सारी वीडियोस अपनी लाइफस्टाइल से लेकर मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, जिससे कि आपको बहुत सारी नॉलेज बहुत सारा फन देखने को मिलेगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियोस आपके लिए बहुत नॉलेज से भरी होने वाली हैं। तो ये देखिए, हमने बहुत ही सुंदर तरीके से बाल स्ट्रेट कर लिए हैं और आपको समझ में भी आ रहा है, एक एक चीज़ मैंने बहुत आराम से बताई है। तो यहाँ तक हमारा हो गया है। ऊपर के जो भी बाल रहते हैं उनको भी मैं पार्टीशन करके ले रही हूँ, और सारे बालों में पीछे के जो बाल हमने छोड़ रखे हैं, बाकी आगे के तो क्रिम्प कर रखे हैं हमने, उसमें मैं ओपन हेयर में कैसे जो है बहुत ही सुंदर सी प्रिंसेस लुक में जो है हेयर स्टाइल बताऊंगी, जो कि आपको बहुत पसंद आएगी, जो कि आप गाउन वगैरह पे बनवा सकते हैं। देखिए, मेरे पास हेयर एसेसरीज़ नहीं है, नहीं तो ये जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अभी, आगे वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आप, तो वो जो है हेयर एसेसरीज़ के साथ वो भी बहुत अच्छी लगेगी। तो मैं सिंपली बिल्कुल ओरिजिनल आपको दिखाती हूँ, जिससे कि जो है आप डेकोरेट तो बाद में भी कर सकते हैं, बस आपकी ऊपर की लेयर रहती है इसको भी हम कर लेंगे, फिर मैं आपको जो है स्टाइल बनाना सिखाऊंगी। और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें, एक एक जो है स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर स्टेप में मैं कुछ ना कुछ नया बता रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। बस अब लास्ट स्ट्रेटनिंग रहती है, ऊपर ऊपर वाला हमने उठाना है, क्योंकि नीचे का तो अपने आप तब आपको दिख जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो रियल हेयर होते हैं उसमें कोई दिक्कत आती है, उसमें भी बड़े अच्छे से आपके जो हैं स्ट्रेट हो जाएंगे, बस उसमें आपको 2 से 3 बार करना पड़ेगा एक ही जो है पार्टीशन को। तो यहाँ पे डमी का हेयर बिल्कुल साथ साथ आ रहा था खींचते टाइम, तो मैंने भी पूरा कर ही लिया है अपना। तो इस तरीके से आप देखेंगे, मैंने अपना जो है अपना सर डमी के सर से रखा और जब उसको स्ट्रेट किया, तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं बाल। और मैं आपको दिखा दूँ आगे का जो है, हमने क्रिम्पिंग कर रखी थी, उसमें हम थोड़ी सी हेयर स्टाइलिंग करेंगे जो कि आपको बहुत पसंद आएगी। और ये वाली हेयर स्टाइल अगर पीछे से कर्ल हो तो और भी अच्छी लगेगी, जो मैं आपको बनाने दिखाने जाने वाली हूँ, क्योंकि मेरा जो ये 3-in-1 जो मेरी मशीन है उसमें रोलिंग अच्छी से नहीं होती है। तो अभी हम क्रिम्पिंग स्ट्रेटनिंग से ही काम चलाएँगे। जब कभी मैं नई मशीन लेके आऊँगी तो आपके साथ ज़रूर से शेयर करूँगी हेयर रोलिंग भी। तो देखिए, सबसे पहले जो ओपन हेयर स्टाइल में बनाने जा रही हूँ, आगे से आप बालों को क्रिम्प कर लें, पीछे से आप स्ट्रेट कर लें। आगे से जो क्रिम्प हेयर किए हैं उसको 3 भागों में डिवाइड करना है, जैसे कि मैंने एक भाग डिवाइड किया, दूसरा जो हमारा साइड से डिवाइड किया, और तीसरा सेम इसी तरीके से।
सारा हमने डिवाइड कर दिया है, तो ये तीन डिवीज़न हमारे हो गई हैं। तो इस तरीके से आपके पास हेयर क्लिप होंगी, उससे आपको क्लिप कर देना है बालों को, ताकि इधर उधर मैश ना हो बाल। और अब हमें क्या करना है, अब हमें बिल्कुल सेंटर जो हमारा होता है, सेंटर हेड जो हमारा होता है, वहाँ से बालों को उठाना है और एक छोटी सी पतली सी पोनी टेल बनानी है। और उसमें आपको जो हमारा हेयर सेट करने का हेयर बन होता है उसको डालना है। आपके पास हेयर पैड है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हेयर बन जो है वो ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। तो इस तरीके से मैंने इसको डाल दिया और इसको सेट करने के लिए यहाँ पे आप पिन लगा दें, जिससे कि ये इधर उधर ना हो। तो यहाँ पे जो है मैं पिन लगा लूँगी, हेयर पिन, जो पतली वाली पिन होती है वो वाली पिन से इसको सेट कर दें। हालांकि सेंटर में जो है डमी के बाल कम थे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, बट जो आपकी अगर आप रियल हेयर में बनाते हैं ये वाली हेयर स्टाइल, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो इस तरीके से देखिए इसको बालों को सेट कर दी मैंने और इनको इस तरीके से वापस टर्न कर देना है आपने। तो ये पिन ढंग से लग नहीं पा रही थी क्योंकि डमी के हेयर ना सेंटर में बहुत कम होते हैं, तो आपको सेट करना है इस तरीके से, एक दो पिन एक्स्ट्रा आपकी लग जाएं। तो ये देखिए इस तरीके से पीछे लेके जाना है, और पीछे जब आप इसको लेके जाएंगे तो बन को कवर करके लेके जाएंगे। वैसे तो देखिए हमारे बाल जो हैं ब्लैक ही होते हैं, तो इसमें डमी के हेयर जो है ब्राउन है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिख रहा होगा ये ब्लैक, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको सिर्फ सीखना है। उसमें आप जो है ब्लैक हेयर में ये नहीं दिखेगा इतना। तो इस तरीके से सेट करने के बाद हमें जो है कुछ जुड़ा पिन से इसको सेट कर देना है। अब हमें आगे वाले बाल लेने हैं, जो कि साइड वाले। इस तरीके से आपको कुछ बालों को उठाना है और उनको कॉम्बिंग करके, आपको इस तरीके से कॉम्बिंग करके और जो हमने बन बनाया है उसको चारों तरफ लपेट देना है। आप चाहें तो एक राउंड करके पीछे की साइड छोड़ सकते हैं बालों को जो बचे हैं, अगर लॉन्ग हेयर हैं तो। यहाँ पे मेरे इतने ही थे तो ये काम मेरा हो गया। तो ये पिन से सेट कर दिया। इसी तरीके से जो दूसरी साइड है वहाँ से भी आपको उठाना है और ऊपर की तरफ ले जाकर कॉम्बिंग करनी है और सेम प्रोसेस से इसको लपेट देना है। तो यहाँ तक तो आपको सारा माजरा समझ में आ गया होगा। अब जो है जो बचे हुए बाल हैं उनको भी सेम तरीके से आपको सेट कर देना है, कॉम्बिंग करके आपको लपेटना है इस तरीके से। यहाँ से आपका जो, यहाँ से आपके जो बाल जाएंगे वो बहुत ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि एक तो हम फ्रंट से पफ बनाएंगे और पीछे से उसके ऊपर भी एक पफ बन जाएगा। तो वो अब हमें जो आगे के बाल रह गए हैं उनको इस तरीके से ऊपर उठाना है और कॉम्बिंग करनी है। कॉम्बिंग करने के बाद बैक कॉम्बिंग करनी है आपको, क्योंकि आगे से हमें पफ बनाना है। आपको जितना ज़्यादा पफ बनाना हो तो उतनी ही गहरी आपको बैक कॉम्बिंग करनी है, तो मुझे ज़्यादा नहीं बनाना था। और इस तरीके से आपको जो है उसको सेट करना है अपने हाथों से, शेप देनी अपने हाथों से इस तरीके से। ये देखिए जैसे कि मैं दे रही हूँ ऐसे ही सेम आपको करना है, ताकि बिल्कुल प्रॉपर जो है, आप फ्रंट से ज़रूर देख लें जब भी आप बनाएं। तो हाथों से जो है फिंगर्स की सहायता से आपको शेप देनी है, पफ को नीचे तक आपको मिलाना है दोनों साइड्स तक, और फिर जो है स्ट्रेट पिन से आपको इनको सिक्योर कर देना है इस तरीके से। तो आप ओपन हेयर स्टाइल अगर पसंद करते हैं और गाउन वगैरह पे तो ये बहुत अच्छा लगता है, तो इस तरीके की हेयर स्टाइल आप अपना सकते हैं। बिल्कुल यूनिक है और आप ज़रूर से इसको ट्राई कीजिएगा, और इस मुश्किल कुछ भी नहीं है। और आज की वीडियो में आपने जो है प्रेसिंग करना सीखा, और क्रिम्पिंग तो मैंने पहले ही इसमें बता दी थी, जो कि हमने आगे की हेयर स्टाइल के लिए रखी थी। तो जब भी आप हेयर स्टाइल करें तो आगे के क्रिम्प ज़रूर कर लें बालों को। तो अब देखिए इतना हमारा हो गया, आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये भी बहुत प्यारा लग रहा है। बट साइड से जो हमने बाल छोड़े हैं ना, तो उससे हम जो है पतले जो है बालों से चोटी गूँथेंगे। अब ये थोड़ा सा मैसी सा लग रहा है,
तो इन बालों को हमें सेट करना है बिल्कुल, जो कि हमारा बन है वो इस जो गंदा लग रहा है बिल्कुल उसको कवर कर देना है, जो ये बाल हमने ऊपर से लिए हैं उन बालों से इसको कवर कर देना है बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको कॉम्बिंग करनी है, और आपके पास अगर हेयर स्प्रे नहीं है तो भी आप जो है बड़े अच्छे से ये वाली हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो इसका लुक देख लीजिए, और आगे से जो हमने बाल छोड़े हैं यहाँ से हम इसकी चोटी गुथेंगे और इसको हम ऊपर से ले जाएंगे। और अगर आपके पास कुछ हेयर एक्सेसरी है तो आपने जो ये चोटी बनाई है उसमें आप लगा सकते हैं, छोटे छोटे बीड्स लगा सकते हैं तो वो बहुत प्यारे लगते हैं। तो इस तरीके से आपको बना लेनी है फटाफट से। तो देखिए प्रेसिंग करने के बाद जो है इसमें बहुत अच्छा लुक आया है। तो इस तरीके से आप जब भी किसी पार्टी में जाएं, तो अगर आप हेयर स्टाइल के लिए थोड़ा सा सोच रही हैं तो आज वाली हेयर स्टाइल बिल्कुल यूनिक है, मैंने कहीं से देख के नहीं बनाई है, बिल्कुल अपने जो है अपने हिसाब से इसको बनाया है। आपको भी बड़ी प्यारी लगेगी, और आप भी इस तरीके से जब आप स्टार्ट करते हैं तो अलग अलग हेयर स्टाइल देखिए बनती जाती हैं, इन्वेंट होती जाती हैं। और अब देखिए दूसरी साइड से अगर आप इसी में मिक्स करना चाहें तो इन बालों को लेके एक लंबी चोटी बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप अलग इसको पिन अप करके टाक सकते हैं। लेकिन आप अगर यहीं से दूसरी बनाना स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। जो मैं यहाँ पर टक कर रही हूँ इसको टक करने की बजाय आप दूसरी जो है चोटी यहीं से स्टार्ट कर देंगे तो ज़्यादा फिनिशिंग आती, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा सा खिंचाव ना हो इसलिए मैं फिर से यहाँ से एक चोटी और बना देती हूँ। अगर आप चाहें तो इसको दोबारा से एज ए हेयर बैंड आप ऊपर से फिर से ले जा सकते हैं और दूसरी तरफ टक कर सकते हैं। अगर आपको खुली छोड़नी है तो आप खुली भी छोड़ सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप इस तरीके से यहाँ पीछे से भी ले जा सकते हैं, देखिए इस तरीके से, तो कई तरीके आप अपना सकते हैं। उसके लिए आपके पास हेयर एक्सेसरीज़ होनी चाहिए जो हम पीछे से लेके गए हैं। इसको फिर यहाँ पे अगर थोड़े बहुत फ्लावर वगैरह होंगे तो बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पर लास्ट तक इसको बना लेना है आपने, और इस तरीके से आप इसको पीछे से ले जा के टक कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका जो पीछे आपने थोड़ा सा पफ बनाया है जो कि हमने हेयर बन बनाया था वो भी आपका सिक्योर हो जाएगा, और इसको यहाँ लाके आप जो है सिक्योर कर सकते हैं। तो आपको जैसी अच्छी लगे आप वैसे कर सकते हैं, आप इसको खुली भी छोड़ सकते हैं। तो मैंने ये ओपन हेयर स्टाइल रखी थी तो मैंने इसको बाद में आगे से ओपन छोड़ दिया था, बाकी ये ऐसी भी बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ से देखिए आप बालों को आगे से थोड़ा सा कर्ल भी कर सकते हैं, मैंने कर्ल वगैरह कुछ नहीं किया, सिंपल ऐसे ही रखा है हेयर स्टाइल को। और देखिए इस चोटी को भी मैंने आगे से खुला रख दिया है, और इस तरीके से इसमें आप कुछ लगा सकते हैं, अदरवाइज़ इसको ऐसे ही ओपन रहने दें। ये ऐसे ओपन भी बहुत सुंदर लग रही थी, तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज की स्टाइल ओपन हेयर स्टाइल कैसी लगी, पसंद आई या नहीं। बिल्कुल यूनिक हेयर स्टाइल है और आप इसको ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इसी तरीके की अलग अलग हेयर स्टाइल सीखने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छी हेयर स्टाइल के साथ और अच्छी ड्रेस डिज़ाइनिंग के साथ। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा।